हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे। सो ये है मॉर्निंग का व्लॉग। जी हाँ गाइस, अष्टमी के दिन का व्लॉग है ये, कल का। और मैं इसको कल नहीं एडिट कर पाई क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत शाम को ख़राब हो चुकी थी, इसकी वजह से मैंने नहीं एडिटिंग की। आज एडिटिंग कर रही हूँ और आज इसे पब्लिश कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं दीपक लगा रही हूँ क्योंकि अष्टमी के हमारे यहाँ पे अच्छे से पूजा होती है, आप सभी को पता है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसीलिए मैंने दीपक लगाया हुआ है। सो काफ़ी सारे लोगों को ये गलत फहमी बोलें या फिर थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होता है कि मैं उल्टे हाथ से आरती करती हूँ, फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ मोबाइल का, जिसकी वजह से ना उल्टे हाथ से आरती नज़र आती है। और कई बार क्या होता है, जैसे हमने ट्राईपॉड कहाँ लगाया हुआ है, एंगल की वजह से भी समझ में नहीं आता है, फ्रंट कैमरा से उल्टा आता है। हालांकि मेरा उल्टा हाथ चलता है लेकिन मैं आरती वगैरह सीधे ही हाथ से करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा उल्टा हाथ नहीं चलता, लेकिन मैं आरती वगैरह पूजा पाठ जो है अपने सीधे हाथ से ही करती हूँ। सो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, जस्ट मैंने दीपक और प्रसाद लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारी पूजा हमारी जो अच्छे से होती है वो ससुराल में तो हो ही गई होगी। सो यहाँ पर आप लोग भी आरती ले लीजिए और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, पूजा पाठ हो चुकी है और आज है अष्टमी। सो वेरी हैप्पी अष्टमी। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे अष्टमी की पूजा बहुत ही अच्छे से होती है। जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम मेरी ससुराल गई थी वो अष्टमी का दिन ही था, और हम लोग हमेशा अष्टमी पे अपने ससुराल जाते हैं, मतलब खासतौर से मैं मेरी ससुराल जाती हूँ। और लेकिन इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो जस्ट नॉर्मल दीपक मैंने अपने घर में जलाया हुआ है जो कि डेली बेसिस पे जलता ही है। और फाइनली मैंने आज साड़ी पहनी हुई है क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि जिस दिन अष्टमी हो, चाहे वो मैं यहाँ से सेलिब्रेट करूँ चाहे वहाँ से सेलिब्रेट करूँ, बढ़िया से साड़ी वगैरह पहन के करूँ। थोड़ी सी तबीयत कल तक ठीक नहीं थी, कल का जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें मेरी तबीयत सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट फाइनली आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ और अच्छा सा मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने उठ के नहा के और मैंने कहा चलो पूजा पाठ कर लूँ। सारा काम जो था एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा काम सानू दीदी ने देख लिया था। अभी मुझे करना है खाना बनाना है, तो वैसे तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, जैसे सब्जी पूड़ी अगर आप लोग खाना चाहते हो तो वो भी, लेकिन क्योंकि हमने वो कल ही खाई है सब्जी पूड़ी इसलिए मन नहीं है। तो हमारा सोचना है, मैं सोच रही हूँ आज कढ़ी बनाऊँ क्योंकि मेरा मन बहुत तेज़ है कढ़ी खाने का, तो आज कढ़ी चावल और रोटियाँ मैं बनाऊँगी। और साथ ही साथ आज दीदी का व्रत है, सानू दीदी का व्रत है, बुधवार का व्रत रखती हूँ, आप सभी को पता है कि वो रखती हैं, तो उनका व्रत है, तो कुछ फलाहार में वो बनाएंगे, जो भी बनाए, मे भी शायद खिचड़ी बनाए क्योंकि सबसे बेस्ट आहार होता है खिचड़ी, क्योंकि उसमें नमक पड़ जाता है, सेंधा नमक जिसको हम व्रत वाला नमक बोलते हैं, तो वो पड़ जाता है। और मुझे अब साड़ी चेंज करनी है, और ये साड़ी आई नो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये मेरी ससुराल में मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी अभी जब मैं गई थी होली पे, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं अपनी पूजा में पहनूंगी, जो कि मैंने पहना और मुझसे पूरी पूजा में एक गलती हो गई कि मैंने इसकी ओपन ही नहीं किया, और जो कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को दिखा होगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको हटा दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि ये मैंने जान के नहीं किया, उससे गलती से हो गया, क्योंकि मैं लेट हो रही थी पूजा के लिए, तो मैं फटाफट से कप आई और मैंने फटाफट साड़ी डाली। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, तो मैंने कैसे करके साड़ी लपेटी, और मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ तो मेरी ननंद होती हैं या टीना होती है तो मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ, तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। सो चलिए गाइज, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ चेंज करने के बाद, क्योंकि हाँ मैं साड़ी में काम नहीं कर पाऊँगी, कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है लेकिन मैं टोटली ठीक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया था,
कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट लिपस्टिक अप्लाई की है और जस्ट काजल अप्लाई किया हुआ है, मांग भरी है, बिंदी लगाई है, मैंने मेकअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया। नॉर्मल डेज अगर अच्छी होती मैं पूरा मेकअप करती प्रॉपर, जैसे दुल्हन तैयार होती है मैं वैसी ही होती हूँ। आप लोगों ने अगर पिछली अष्टमी की पूजा मेरी नहीं देखी है तो उसका ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, और जो मेरे फेवरेट ब्लॉग हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखती हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी कि लास्ट पूजा पे मैंने क्या क्या किया था अपने ससुराल में। तो आप लोग प्लीज़ उसे वॉच करिएगा, उसे काफ़ी सारे लोगों ने वॉच भी किया है, तो आप उसे वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेघा दी अपने ससुराल में कैसे क्या बोलते अष्टमी सेलिब्रेट करती हैं। तो चलिए गाइज मैं थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये ब्लाउज इसका नहीं है, ये ब्लाउज मेरी दूसरी साड़ी का है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका ब्लाउज नहीं सिलवा पाई हूँ, जब से आई हूँ तब से ये कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये ब्लाउज इस पर डाल लिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो गाइज मिसी का उठ चुकी है और दूध चौकोस की जिद कर रही थी, मतलब दूध कॉर्नफ्लैक्स की, तो मैंने उसे वो दे दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और नाश्ते में उसको निकाल के दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं कड़ी की तैयारी करने लगी हूँ, और मैं यहाँ पे आधा किलो 3 पाव समथिंग था जो क्या बोलते दही था, तो पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा बचाया, बट फिर बाद में ननन ने बोला कि थोड़ा सा तुम बस मुझे निकाल दो, बाकी तुम डाल दो पूरा, क्योंकि दोनों टाइम के लिए कड़ी हो जाएगी। पहले मैंने सोचा एक ही टाइम के लिए बनाते हैं, बट अभी सभी को पता है सब्ज़ी वगैरह की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही, क्योंकि लॉकडाउन टोटली लॉकडाउन है, तो कुछ भी नहीं मंगा सकते बाहर से। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दही डाला, उसके बाद बेसन डाला और उसके बाद हल्दी डाला, फिर सीधा पानी मिक्स कर दिया, पानी मिक्स किया और नमक भी डाल दिया। तो इसको बस हम अच्छा सा इसका घोल बनाएंगे, और ये इजी वे में मैं आपको कड़ी बता रही हूँ, इसके पहले भी मैंने इसी तरीके से बताई थी, बट उसका बघारने का तरीका और इसका तरीका अलग है। तो कड़ी कई प्रकार से बनती है, और कड़ी सबसे ज़्यादा इजी रेसिपी होती है, और घर में बेसन रखा ही रहता है, मठा है तो मठा ही बना लीजिए, वरना दही की बना लीजिए। सो यहाँ पे मैंने बस दीदी के लिए दही निकाला, बाकी सारा दही मैंने इसी बैटर में डाल दिया, बैटर काय के लिए घोल बनाया है मैंने यहाँ पे। सो जब तक मैंने ये घोल को रेस्ट पे रख दिया था थोड़ा सा टाइम के लिए, रखना नहीं चाहिए बट रख दिया था मैंने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रखना ही है, तब तक दीदी ने अपनी खिचड़ी बना ली थी और मैंने खिचड़ी की सारी प्रिपरेशन कर दी थी, जैसे आलू वगैरह काटना होता है तो वो सब कुछ काट पीट के दे दिया था। सो यहाँ पे दीदी की खिचड़ी बन गई है, और उन्होंने काफ़ी सारी बना ली थी हम लोगों के हिसाब से, कि ताकि नाश्ते में यही चल जाएगी और सीधा खाना खाएंगे फिर ये लोग। सो बहुत ही टेस्टी बनती है ये भी, इसकी रेसिपी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं अपनी कड़ी बघारने की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है मेथी दाना, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से ज़ीरा लिए हुए हैं, और जीरे के साथ मैं डालूँगी यहाँ पे हींग। हींग अगर आपकी तेज़ है तो बिल्कुल थोड़ी सी डालिए, और मेरी ये थोड़ी सी क्या है ना, इसका पता नहीं ढक्कन कहाँ गुम हो गया, जिसकी वजह से इसकी पूरी जो खुशबू है वो तो मरी सी गई है। अब यहाँ पे मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाले में मैंने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन लिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, अच्छा इसका पेस्ट बना लूँगी, और इसी में मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई डाल दूँगी। अब क्योंकि ये धनिया पत्ती काफ़ी दिन की हो गई तो थोड़ी पीली टाइप की नहीं हो जाती है, वैसी हो गई है, तो इसको मैं पीस के अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो आप तेल में डाल दें, वो जो मैंने कढ़ी बनाई थी वो घी में मैंने बताई हुई थी, और फिर इसके बाद मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ, और उसमें जो अदरक लहसुन मैंने डाला था वो कूट कर डाला हुआ था, और यहाँ पे मैंने पेस्ट एक फाइन पेस्ट बनाया हुआ है। जी हाँ गाइस, काफ़ी पतला पेस्ट बनाया हुआ है, और ये हरी मिर्च लाल मिर्च इसमें दोनों ही जाएंगी, वो सिर्फ हरी मिर्च की बनी हुई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मसाला इसका डाल दिया है। अब इस मसाले को मैं ढककर भी पकाऊंगी, ऐसे भी चला चला के भी पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूंगी। लेकिन हल्दी हमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि कढ़ी जब तक येल्लो येल्लो नहीं दिखती ना, तब तक कढ़ी नहीं लगती है वो, तो येल्लो दिखना कढ़ी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी सा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो खटकने लग गया था, उसमें तेल के छींटे जो हैं वो पड़ रहे थे, तब तक मैंने उसको ढक दिया। उसके बाद हमने थोड़ी सी मूंग की दाल डाली हुई है, ये मूंग की दाल है, और इसको मैंने फुला लिया है ओवरनाइट तो नहीं, 2-3 घंटे के लिए, और इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी भजिए के लिए। भजिए में मैं दोनों चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, मूँग की दाल
प्लस क्या बोलते बेसन। अब जब तक मैंने वो पेस्ट बनाया तब तक मेरा मसाला जो था वो हो गया, तो मैंने जो जो घोल बना के तैयार किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें चलाना है। कढ़ी को आप जितना अच्छे से चलाएंगे, जितना ज़्यादा चलाएंगे उतनी ज़्यादा स्वाद में अच्छी बनती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम दही की कढ़ी बना रहे हैं तो जैसे ही हम घोल डालते हैं और गर्म होता है तो हमें पता चल जाता है कि कढ़ी कितनी ज़्यादा थिक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पानी डाल दीजिए क्योंकि अभी इसको आप कम से कम 30 मिनट पकाने वाले हो। 30 मिनट में ये तो पक के काफ़ी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और फिर कितनी गाढ़ी होगी। तो मैं गाढ़ी कढ़ी हमारे यहाँ नहीं खाते, पतली कढ़ी ही पसंद है। सो यहाँ पे मैंने पानी मिला दिया है, उसके बाद मैं अपना जो भजिए का गोल है वो बना रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल निकाल ली है जो मैंने पीसी हुई थी, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। और बिलीव मी गाइस, ये जो भजिया है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में, दोनों का मिक्सचर अगर आप बनाते हो ना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा पिसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करने वाली हूँ और ऑब्वियसली नमक तो जाना ही जाना है इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, कढ़ी आप ध्यान दें कि कुछ भी कर रहे हो आप, कढ़ी कम से कम हर 2 मिनट में चलाते ही जाना है। सो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और नमक जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगी मैं पानी से इसको अच्छे से बेसन को घोल दूँगी। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बेसन को हमें रेस्ट पर रखना है, इसलिए पहले से अगर घोल देंगे तो सही रहेगा। हमारे यहाँ पे प्याज ख़त्म हो चुकी है गाइस, तो प्याज मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। अगर आपके यहाँ पर प्याज है तो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घोल है मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और घोलते जाइए। इससे क्या होता है कि जो गुठले होते हैं वो भी नहीं बनते हैं और बेसन भी अच्छे से फिट जाता है। और जितना अच्छे से आप घोलते हैं और रेस्ट देते हैं ये भजिया उतने ही फूले और उतने ही अच्छे बनते हैं। और मुझे क्रंची भजिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं इसमें दाल ऐड की हूँ, क्योंकि दाल से क्रंचीनेस आ जाती है भजिए में। सो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ी को चढ़ा लिया है, उसके चला दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ। तो चावल मैं यहाँ पे जीरा वाले राइस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा क्या थोड़ा ज़्यादा ही डाला क्योंकि जीरा राइस में जीरा काफ़ी पड़ जाता है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप इसमें चावल छोड़ दीजिए, मतलब चावल आप दो पानी से धोने का बस यही फ़ायदा होता है कि जो चावल है वो अच्छा खिला बनता है। तो यहाँ पे मैं अपनी कढ़ी अच्छे से चला रही थी और जब तक मेरा जीरा हो गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। और चावल को आपको थोड़ा सा चलाना है, मतलब सिक टाइप का जाना चाहिए चावल। और जब सिक जाता है चावल बहुत अच्छा स्वाद आता है और मतलब एक सौंधापन जो होता है वो चावल में अच्छे से आ जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावल डाल दिया है और जिस कटोरी से मैंने चावल पा हुआ था कि जिस कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया हुआ था उसी कटोरी से मैं 2.5 समथिंग पानी डालूंगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। और इससे क्या होगा कि जो चावल है वो बहुत अच्छा खिला बनेगा, पक तो बिल्कुल जाएगा। और 1 सीटी मुश्किल से आप 2 सीटी इससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो चावल फीना भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने पहले डाल दिया, 1 कटोरी मैंने बाद में डाल दिया। उसके बाद जो जिस भंगोनी में मैंने धोए थे तो कुछ चावल उसमें चिपके हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूँगी। और क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है तो हमारे जो चावल हैं वैसे भी खिले बनने वाले हैं। सो यहाँ पे पानी डालने के बाद बस मैं कुछ नहीं करूँगी, हल्का सा इसमें नमक डालूँगी और नमक बिल्कुल ऑप्शनल है और मुझे अंदाज हाथ से ही बनता है नमक डालने का। और इसको ढक के 2 सीटी मैं करती हूँ, 2 सीटी मुझे लगता है सही रहती है। तो यहाँ पर जो कढ़ी है उसमें उफान आने लगा है और उसके बाद जैसे ही मेरे चावल बन गए तो मैं यहाँ पे अपने भजिया तोड़ने लग गई हूँ। तो देख सकते हैं कितने छोटे छोटे भजिया मैं बना रही हूँ, बट ये फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं क्योंकि कम से कम बेसन में 1/2 घंटे का टाइम लग गया था। हाँ, और यहाँ पे जो मेरा कढ़ी है वो एकदम स्लो गैस पे मैं पका रही हूँ, धीरे धीरे वो पक रही है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा छनक भी चुकी है, आई मीन थोड़ी सी वैसी हो चुकी है।
कम हो चुकी है। और ये देखिए मैं भजिए को अच्छे से चला दूंगी। कितना छोटा छोटा टुकड़ा हुआ था लेकिन इसमें एक फूलापन अपने आप आ गया। ना मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, ना इसमें इनो डाला, लेकिन फिर भी आ गया, क्योंकि आपने इसको अच्छे से रेस्ट देना होता है। अगर आपने रेस्ट दे दिया तो अच्छा फूला फूला होता है। वैसे जैसे आटे के लिए मैं बोलती हूँ ना, हमेशा आटा लगा के रखो तो रोटियाँ अच्छी फूली फूली बनती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बेसन का भी कहानी होती है। तो यहाँ पे मैं भजिए को अच्छे से तल लूँगी और निकाल लूँगी एक प्लेट में। लेकिन उसके पहले मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। ये देखिए चावल कितने अच्छे से बन चुके हैं और बिल्कुल भी गीला चावल नहीं था, एक एक चावल था और बहुत ही ज़्यादा स्वाद में अच्छा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से अपने सारे जो पकौड़े हैं वो तल लेना है, फिर मैं इसे कढ़ी में डालूँगी। कढ़ी में अभी एक बघारा लगेगा, यानी कि एक छौंक लगाऊँगी मैं। वो कैसे लगाऊँगी आपको दिखा ही देती हूँ मैं, क्योंकि वो स्वाद भी बढ़ाएगा, शक्ल भी अच्छी करेगा कढ़ी की हमारी, तो उसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जो यहाँ पे मैंने भजिए निकाल लिए हैं, इसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल लिया, तेल में मैंने थोड़ी सी हींग डाली, हींग में मैंने साबुत लाल मिर्च डाली चार ठो और चार पांच, और मैंने एक चम्मच पिसी मिर्च भी इसमें डाल ली है। पिसी मिर्च से कढ़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। तो पिसी मिर्च आप उस स्टेज पे डालिए जब आपको लगे कि ये जलेगी नहीं। तो मैंने जैसे डाली घुमाया तो इससे हमारी जो पिसी मिर्च है वो अच्छी पक भी गई, और साथ ही में आपने छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि कढ़ी का कलर इसके बाद कितना ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी क्योंकि फ्रंट कैमरा से उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और ये देख सकते हैं कढ़ी का कलर भी अच्छा हो गया और एक मतलब एक बहुत ही प्यारा टेस्ट आ जाता है जब आप बाद में इसमें छौंक लगाते हो। उसके बाद मैंने इसमें सारे भजिया डाल दिए। भजिए से बहुत अच्छी कढ़ी बनती है, देख सकते हैं कढ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है और चावल भी बन चुका है, रोटियां बस बननी है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आई नो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि देखने में ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रही है, उतनी ही स्वाद की ये पनीर भी थी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कढ़ी बना ली है और चावल भी मेरे बन गए हैं और अब आटा लगा के हमें रोटी सेकनी है। और समय हो रहा है 1:30 बज रहा है और 2 बजे तक कैसे भी खाना खा लेना चाहिए, बिकॉज़ हमने जो आपने देखा था साबूदाने की खिचड़ी वो हम लोगों ने खा ली थी, इसी वजह से मैंने जो है कढ़ी को डिले कर दिया था, थोड़ा लेट हो गई, वरना कढ़ी टाइम पे बन जाती और हम लोग खाना टाइम पे खा लेते। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिछली बार जो मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी वो डिफरेंट तरीके की रेसिपी, इस टाइम पे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो डिफरेंट तरीके से है। और मैं कढ़ी 6-7 तरीके से बनाती हूँ, सो सेकेंड तरीके से मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और अदर तरीके से अगर मैंने बनाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इस टाइम पर घर में उतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जितनी सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, खासतौर से कड़ी पत्ता। कड़ी में अगर कड़ी पत्ता डल जाता है तो दुगना मज़ा आ जाता है, तो कड़ी पत्ता इसमें नहीं डला हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कड़ी में डाल दी हैं, जो जैसे डलती हैं वैसे। और ये छौंक वाली है जिसको हमने 2 बार छौंका हुआ है, एक बार हमने इसमें बघार लगाया हुआ था उस टाइम पे छौंका हुआ था, दूसरी बार हमने तड़का लगाया है। तो ये जो कढ़ी है ना इसमें इतना बेहतरीन टेस्ट आता है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस मैं थोड़ी देर से आप लोगों को मिलती हूँ, आटा लग जाए, मैं रोटियाँ सेकूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ अंदर। सो यहाँ पर मैं मेरी रोटियाँ सेकने लग गई हूँ क्योंकि आटा दीदी ने लगा के मुझे दे दिया था, तब तक जब तक मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और रोटियाँ लगाने के बाद मैं सीधे खाना खाऊंगी, और सीधा खाना खाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा आलस भी बोल सकते हो आप, या फिर ये भी बोल सकते हो कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं थी और फिर भी मैंने सब कुछ काम धाम जो भी करना था वो भी किया, पूजा पाठ भी की, तो ऐसे ही होता है, वीकनेस लग रही थी। तो इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है। सो इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि घर में रहिए, सेफ रहिए, जो भी घर में है उसी को बना के खाइए। और सबसे बड़ी बात कि सब्जी भाजी अगर नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, अभी देखिए हमारे यहाँ पर भी नहीं मिल रही है। तो ये देखिए खाना बन गया, हम खाएँगे अब। चलिए हम आपको बोलते हैं बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, और प्लीज़ घर में रहिए।